हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज कर आप अगेन वाईफाई प्रॉब्लम, सॉरी फ्रेंड्स, ब्लूटूथ प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपके में ब्लूटूथ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से आप एक बार रीसेट कर लीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। रीसेट करने से आपके फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट मतलब कि ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए आप रीसेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने रीसेट कर रहे हैं, तो आप वाईफाई कनेक्ट हो डिसकनेक्ट हो जाएगा। वैसे ब्लूटूथ तब कनेक्ट होता है जब आपकी वाईफाई कनेक्ट होता है। तो और कैसे हम रीसेट करेंगे और मतलब कि ब्लूटूथ प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। वैसे मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको जनरल मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आपको लास्ट में रीसेट वाला ऑप्शन भी क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपका ऑप्शन आएगा रीसेट सेटिंग, आप उस पर क्लिक कर देंगे और जो भी आपने स्क्रीन लॉक लगा रखे उसे ड्रॉ कर लेंगे, रीसेट कर देंगे यहाँ से। और ये ऑप्शन आ जाएगा यानी कि आपका रीसेट हो गया है और जो भी होता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर डिसकनेक्ट हो जाता है तो दोबारा से कनेक्ट करते एकदम सही चलता है और बाबा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस प्रकार से आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।